रोलिंग। कभी सबसे पहले बताइए पुणे का फ्रॉम एक्टिंग टू सिंगिंग, आप उनके भाई, आप उनको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, आपको आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कभी होगा? जी इनका जो पहला एल्बम था मुझे बहुत ही पसंद है और इनफैक्ट आज तक उस समय सीरीज़ तो होते नहीं थी, तो उनके कैसेट्स मैंने आज तक रखे हुए हैं। आई ऑब्वियसली नाउ रिकॉर्डेड ऑन टू सीडी सो आई कैन कीप इट फॉर माय जो कहते हैं जिस बदलाव जो है एज अ सिंगर, शी वॉज ऑलवेज अ सिंगर, तो जब पहली बार उन्होंने रिकॉर्ड करके वो घर लेके आए थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि मैं बहुत बेसुर हूँ, बल्कि फैमिली में एक सुर में था। जी जो ये गाना है जो आपने डायरेक्ट किया है वीडियो, वो किस तरह का गाना है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अपनी बहन का म्यूज़िक डायरेक्ट करने का? जी गाना एक सूफ़ी गाना है और एक लाउंज और कमर्शियल मिक्स में जैसे कहूँगा, इट इज़ गॉट अ पेप टू इट, इट्स गॉट इट्स एनर्जी टू इट। अगर आप लोगों ने गाना सुना होगा इट टेक्स यू ऑन टू अ डिफरेंट ट्रिप ऑल टूगेदर। और वीडियो डायरेक्ट करते वक्त एक बहुत क्लियर बात थी जो मेरे मन में थी, मैंने कहा कि मैं एक छोटी फिल्म बनाना चाहूँगा, 5.5 मिनट की फिल्म बनेगी जिसमें कहानी होगी, स्क्रिप्ट होगी और आई विल वांट फुल राइट्स टू एक्चुअली शाउट एट यू। तो एक अच्छी बात यह है कि आज तक उनकी बात सुनता है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो मेरी बात सुन रही। तो बड़ी बहन नाराज़ नहीं हुई कि आप उन पर चिल्ला रहे हैं? नहीं, वहाँ पर मैं सिर्फ डायरेक्टर था और मैं डांट भी देता था उन्हें और कहता था कि अगर वो किसी बात के लिए वो डिले हो जाते थे तो मैं उनको डांट के कह देता क्योंकि आई वॉज प्रोड्यूसिंग इट ऑल्सो कि यू विल हैव टू कम ऑन टू द साइड ऑन टाइम एंड यू विल हैव टू डू व्हाट यू आर सपोज्ड। तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि मैं छोटा भाई हूँ वो बड़ी बहन है, वहाँ पर ये साफ रिलेशनशिप बहुत क्लियर था कि मैं डायरेक्टर हूँ और वो एक एक्ट्रेस है। जी आप प्रोफेशनल आई गेस शी अंडरस्टूड दैट। आपके हिसाब से व्हाट इज सोनिका बेटर है, वो एक्टिंग बेटर करती है या वो गाती बेटर है? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से वो दोनों ही फील्ड में सक्षम है, लेकिन अगर आप पर्सनली मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि उनकी म्यूज़िक मुझे ज़रूर ज़्यादा पसंद है। थैंक यू वेरी मच।